टीचिंग अस्पतालों के बाद पंजाब भर के शोबा सेहत की रिश्कारी का फैसला। एनटीआई एक्ट की कोशिशों के बाद रीजनल हेल्थ अथॉरिटीज के क्याम का मनसूबा तश्कील। बुनियादी और देही मराकज से तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में ठेकेदारी निजाम होगा। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने ड्राफ्ट की तैयारी शुरू कर दी, जबकि शोबा सेहत में सरकारी मुलाजिम का दर्जा भी खत्म कर दिया जाएगा। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियां सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर होंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बाजार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। भारत की जानिब से सतलुज में पानी छोड़ने के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। दरिया के बेड से लोगों का इनखला यकीनी बनाया जाए, सैलाबी सूरत हाल की खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आला के मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए जरूरी तैयारियाँ मुकम्मल रखने की हिदायत। दरिया रावी में मुमकिन सैलाब का खतरा। सिविल डिफेंस ने रावी किनारे हिफाजत इंतजाम मुकम्मल कर लिए, जबकि रावी में पानी की सतह कंट्रोल में तहाल सैलाब का खतरा नहीं है। अमले की 3 शिफ्टों में ड्यूटियां लगा दी गईं। रावी किनारे तमाम झुग्गियां भी खाली करवा ली गईं। उधर पंजाब हुकूमत ने मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए फौज तलब कर ली। फौज की 2 कंपनियाँ तलब की गई हैं। महकमा दाखिला ने मरास्ता जारी कर दिया। भारतीय जारहीत का खतरा बरकरार। सतलुज का भाखड़ा डैम फुल। रावी का थैन डैम 70% से ज्यादा भर गया। गुज़श्ता 72 घंटों की बारिशों के पेश नज़र मौसमी एडवाइजरी जारी। PDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया। महकमे मौसमियात ने भी खतरे की घंटी बजा दी। रावी के गिर्द बसने वाले भी हो जाएं होशियार। रावी और चिनाब के नालों में बड़े सैलाबी रेले की पेशगोई। मानसून 15 सितम्बर तक जारी रहेगा। मुआशरत की बेहतरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म की मुर्गी पाल स्कीम 1 साल बाद भी फाल ना हो सकी। पंजाब हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म बछड़ा बचाओ और मुर्गी पाल स्कीम शुरू ना कर सकी। मुर्गी पाल स्कीम के तहत शहरियों में मुनासिब कीमत में मुर्गियां तकसीम होना थी। विफाक ने अभी मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। तर्जुमान महकमा लाइव स्टॉक। ऑरेंज लाइन ट्रेन के पिलर्स पर पोस्टर्स, पेनाफ्लेक्सेस और वॉल चॉकिंग का मामला। पिलर्स की खूबसूरती बचाने के लिए मास ट्रांजिट ने जिले इंतजामिया से मदद तलब कर ली। पिलर्स पर वॉल चॉकिंग, पोस्टर्स अवीजा करने से रोकने के लिए हिकमत अमली बनाने का फैसला। पिलर्स की खूबसूरती बहाल रखने के लिए तशहीरी मवाद लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ब्यूरोक्रेसी के नालवा सलूक पर PTI अरकान फट पड़े। ब्यूरोक्रेसी की जानिब से जायज कामों पर भी सुनवाई न होने पर PTI अरकान परेशान। इजाज चौधरी ने गवर्नर को तहफ़ुज़ात से आगाह कर दिया। चौधरी सरवर ने भी ब्यूरोक्रेसी के रवैये को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। गवर्नर की मामला वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाने की यकीन दहानी। चेयरमैन के नोटिस के बावजूद ट्रेन ऑपरेशन मुतासर। कोयटा, कराची से आने वाली 10 से ज्यादा ट्रेन घंटों ताखिर का शिकार। कराची एक्सप्रेस 5 के बजाय 6 बजे, बिजनेस एक्सप्रेस 4:15 बजे रवाना होगी। उधर आने और जाने वाली 20 परवाजें मुतासर। 8 परवाजें मनसूख और 12 ताखीर का शिकार हो गई। PIA की कुआलालंपुर जाने वाली परवाज मनसूख। इस्लामाबाद, कराची, बैंकॉक, ग्वांगजू जाने वाली परवाजें भी नहीं जा सकेंगी। कोर्ट लखपत में घरेलू झगड़े पर नौजवान की अंधाधुंध फायरिंग। मुलजिम की चची जान बहक, चचा शदीद जख्मी। मुलजिम फरार हो गया। बार बार कॉल करने के बावजूद पुलिस ताखीर से पहुंची। बुरसा का इल्जाम, पुलिस ने लाश मुद्दाखाने मुंतकिल कर दी। लेस्को के मीटर रीडर्स का नए बिलिंग सॉफ्टवेयर के खिलाफ हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज। क्विंस रोड पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मीटर रीडर्स की शदीद नारेबाजी। बिलिंग के लिए 3-3 तस्वीर लेने का कहा गया, जिससे काम का बोझ बढ़ गया है। मुजाहिदीन की दुहाई। फूड अथॉरिटी का पानी की चेकिंग का दूसरा मरहला मुकम्मल। नतायज जारी। सुबह भर में 1063 वाटर प्लांट्स की चेकिंग। 153 वाटर प्लांट्स मुख्तलिफ वजूहात पर फेल करार। 800 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का पानी पास। 150 प्लांट्स गलत लेबलिंग पर फेल कर दिए गए। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर। ब्रायलर की रसद में बेहतरी से कीमत में कमी। जिंदा मुर्गी 12 रुपए कमी के बाद 171 रुपए फी किलो हो गई। मुर्गी का गोश्त 17 रुपए कमी के बाद 248 रुपए फी किलो हो गया। 4 रोज में मुर्गी का गोश्त 51 रुपए फी किलो सस्ता।
शहर भर में मुनाफा खोर माफिया सरगर्म, मार्केट में सब्जियों की फरोख जारी। निर्णय के मुताबिक मुमकिन न हो सकी। हरा धनिया 200 रुपए, अदरक की कीमत में कोई कमी ना आ सकी। अदरक 450, प्याज 20 रुपए, इजाफे के बाद 100 रुपए फी किलो फरोख। टमाटर 100, लीमू 200, लहसुन 350, आलू 40, खीरा 80 रुपए फी किलो में फरोख हो रहा है। महकमा खुराक ने फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का अजराज शुरू कर दिया। फ्यूमिगेशन के बाद एक माह से बंद सरकारी गोदाम खोल दिए गए। फ्लोर मिल्स के ट्रक गंदम हासिल करने के लिए सरकारी गोदामों में पहुंच गए। FBR ने फिक्स टैक्स स्कीम कमेटी के अरकान की तादाद बढ़ा दी। सदर अंजुमन ताजरान खालिद परवेज, अंसर जहूर, शबीर सियाल के नाम कमेटी में शामिल। ट्रेडर्स अलायंस ने ताजर बरादरी से फिक्स टैक्स स्कीम के हवाले से तजावीज मांगी। तजावीज FBR को फिक्स टैक्स मसविदे की तैयारी के लिए भेजी जाएंगी। ग्लोरिया जींस हयात रेजिडेंसी लाहौर पर 70 लाख रुपए सेल्स टैक्स आए। रेवेन्यू अथॉरिटी का ग्लोरिया जींस हयात रेजिडेंसी को शो कॉज नोटिस, 10 दिन की मोहलत। ग्लोरिया जींस हयात रेजिडेंसी की कॉफी शॉप पर PRA ने चंद रोज कबल छापा मारा था। PRA ने ग्लोरिया जींस के रिकॉर्ड की छानबीन के बाद टैक्स आयद किया। LDA वज़ीर आज़म की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम में खातिर ख्वाह नतायज देने में नाकाम। शजरकारी मुहिम अरूज पर LDA अपनी एक भी स्कीम में शजरकारी ना कर सका। LDA सिटी एवेन्यू 1 के वेरान पार्क में शजरकारी ना की जा सकी। जुबली टाउन का 45 कनाल का मेन पार्क भी शजरकारी से महरूम है। वज़ीर हाउसिंग महमूद रशीद और वाइस चेयरमैन PHA हाफिज ईशान की मुलाकात। ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम, PHA उमूर और अथॉरिटी की बेहतरी पर तबादला ख्याल। ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम में PHA कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पौधों की तकसीम का दायरा कार पंजाब भर में फैलाया जाए, सूबाई वजीर की हिदायत। PHA की खसूसी शजरकारी मुहिम 18 अगस्त को 66,839 पौधे शहरों में तकसीम किए गए। शजरकारी के तहत शहर में 34,488 पौधे लगाए गए। PHA ने गाड़ियों से 6,360 पौधे शहरों में तकसीम किए। प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद को सदालती अवार्ड देने के मुतालबे की करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन मलिक जहीर इकबाल की जानिब से जमा करवाई गई। ऐवान प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद की खिदमत को खराज अकीदत पेश करता है। प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद को शानदार खिदमत के सदारती अवार्ड से नवाजा जाए, करारदाद में मुतालबा। जब भी हुकूमत में आएंगे कश्मीर का बदला लेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका बहुत महंगा पड़ा। हुकूमत ने कश्मीरियों के खून का सौदा किया है। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लियामानी लीडर हसन मुर्तजा की रहनुमा के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं जिनके ड्राइवर बनते थे उन्होंने बिल्कुल साथ नहीं दिया। आर्टिकल 370 खत्म करने पर कतर भी नहीं बोला। खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई, हम तन्हा होकर रह गए हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का चीन और तुर्की के सदर के नाम खत। कश्मीर की हिमायत पर अवाम मोदी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। कश्मीर पर चीन की हिमायत आपकी पुरखलूस और दरीना दोस्ती का मजर है। चीन ने साबित किया कि वो पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है। खत का मतलब। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने नहम के नतज का ऐलान कर दिया। साइंस ग्रुप के 1,510 तालब इलमों ने इम्तहान दिया। 1,13,014 तालब इलम पास हुए। साइंस ग्रुप में कामयाबी का तनासुब 58.10% रहा। आर्ट्स ग्रुप में 76,937 तलबा ने इम्तहान दिया, जिसमें से 28,336 तालब इल्म कामयाब करार पाए। पंजाब यूनिवर्सिटी सेनेट का 353वां इजलास ओल्ड कैंपस में हुआ। वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं ने सदारत की, जबकि PC डॉक्टर न्यास अहमद, डॉक्टर सलीम मजहर, रजिस्ट्रार डॉक्टर खालिद खान, शोभाजात के सरबराहान, प्रोफेसर, सिंडिकेट और सेनेट मेंबरान की शिरकत। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार ऑफिस की तालाबंदी के खिलाफ केस की समाअत। डेप्यूटी कमिश्नर सालिहा सईद के पेश न होने पर अदालत का सख्त इजहार बरहमी। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर और AC मॉडल टाउन पेश। अदालत ने डेप्यूटी कमिश्नर की रिपोर्ट की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी। तमाम दफातर खुले हैं, कोई तालाबंदी नहीं की गई। एडिशनल DC की रिपोर्ट।
हाई कोर्ट का चार बच्चे वालिद से लेकर मां के हवाले करने का हुक्म। वालिदा बच्चों से मिलकर आपदीदा हो गई। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने आलिया बीबी की दरख्वास्त पर समाप्त की। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया कि शौहर ने मामूली तर्क कलामी पर घर से निकाल दिया। बच्चों को जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। बच्चों की वालिदा से बेहतर कोई भी परवरिश नहीं कर सकता। अदालत के रिमार्क्स। हाई कोर्ट ने नौ भट्टा मजदूरों को बाजियाब करवा कर रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों में दो खातीन और पांच बच्चे शामिल हैं। अदालत का थाना सराय मुगल के एसएचओ को भट्टा मालिक के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। फैफी एरिया से अगवा होने वाली नौरीन फातिमा मुजरमान के जंगल से आजाद होकर सेशन कोर्ट पहुंच गई। लड़की के मुलजिम मोहम्मद हसन की जमानत खारिज करने की सदा। बहन शहरबानो अभी तक मुलजमान के कब्जे में है। बरामद किया जाए नौरीन की सदा। अदालत ने पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। पंजाब जुडिशियल अकेडमी में फौजदारी निजाम की बेहतरी के लिए वर्कशॉप। जस्टिस जवाद हसन की वर्कशॉप के इफ्तिताही सेशन में खसूसी शिरकत। इफ्तिताही सेशन में एडवोकेट जनरल सरदार अहमद जमाल सुखेरा, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन नदीम असलम चौधरी, बरतानवी पुलिस चीफ नदीम मलिक, डीजी जुडिशियल अकेडमी अब्दुल सत्तार, डायरेक्टर जजीरा असलम और दीगर की शिरकत। सिटी 42 की सालगिरह के मुनासबत से रेलवे फ्रेम यूनियन की जानिब से तकरीब। डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल फ्रेम यूनियन फयाज शहजाद, सदर हेडक्वार्टर रमजान बाबा समेत दीगर अहदेदारों की शिरकत। रहनुमा कहते हैं सिटी 42 ने रेलवे मजदूरों का भरपूर साथ दिया। शहर लाहौर की सहाफत में सिटी 42 का बड़ा नाम है जिसने मसाइल उजागर किए। चेयरमैन पासपीरा पंजाब सर्कल सरफराज अहमद की आज सालगिरह। शहर भर की बिजनेस कम्युनिटी की जानब से मुबारकबाद के पैगाम ने पंजाब का इजहार। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मुलविस शर्जील खान के कजाफी स्टेडियम आमद। शर्जील खान के वकील शहगान एजाज भी हमरा हैं। शर्जील खान को पीसीबी ने बाहरी प्रोग्राम के लिए तलब किया है। शर्जील खान की बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट से भी मुलाकात होगी। शर्जील खान अपना जुर्म तस्लीम करने और बाहरी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए रजामंद है। दम तोड़ती क्लब हॉकी की बहाली के लिए पीएचएफ का बड़ा खत्म। मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट हॉकी लीग कराने का फैसला। मजमूनी तौर पर 1144 हॉकी क्लब, 605 रजिस्टर हैं। पंजाब में 375 रजिस्टर, सिंध में 67, केपीकी में 126 हॉकी क्लब हैं। क्लब हॉकी मुकाबलों के लिए हिकमत अमली की तैयारी का काम शुरू कर दिया गया। और जश्न आज़ादी के हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने परचम कुशाई की तकरीब, दरख्त लगाकर शजरकारी मुहिम का भी आगाज किया। यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज मेजर जनरल प्रोफेसर मोहम्मद असम ने इस मौके पर खसूसी शिरकत की।